हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलते हैं बाहर कहीं देखते हैं, क्योंकि आज का वेदर भी ना भाई साहब काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा है। काफ़ी मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई साहब गर्मी है, ठंड है, क्या है। मतलब एकदम सेम लग रहा है कि ना तो धूप निकली हुई है और ना तो रात ही हो रही ढंग से, ठीक है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि शाम का वक्त हो चुका है, ठीक है। तो बस एक बार ऊपर अभी मुझे जाना है स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए ना, तो अभी बस चाय वगैरह पीता हूँ थोड़ी सी, तो फिर उसके बाद सर्विस के लिए चलेंगे स्कूटी, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया ना, तो सर्विस वगैरह भी निकल रही है, तो थोड़ी सी ब्रेक वगैरह की दिक्कत है, ठीक है, और काफ़ी सारे इशूज़ है उसके अंदर। तो फिलहाल बस चलते हैं फटाफट, चाय वगैरह पीते हैं। मम्मी गई अभी नीचे चाय पत्ती वगैरह लेने, क्योंकि ख़त्म हुई थी ना, तो लेके आते हैं, फिर चलते हैं बाहर सर्विस कराएंगे, फिर उसके बाद मनीष को पिकअप करेंगे और फिर उसके बाद व्लॉगिंग के लिए चलेंगे कहीं बाहर। सो गाइस, फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ छत पे, है ना, और मतलब इस पे धुंध में भाई साहब धुंध वगैरह इतनी गिर रही है ना, मतलब अजीब सा लग रहा है पूरा देखने में। देख सकते हो पीछे का मेरे वेदर, देखते हो मतलब पीछे ना धुंध वगैरह गिर हुई है, और जो टेम्परेचर है ना इस टाइम जो अभी करंट है तो 21 डिग्री सेल्सियस है, तो सोचो तो 21 डिग्री सेल्सियस में देख रहा हूँ कितना अजीब सा लग रहा है भाई साहब। ना 21 डिग्री टेम्परेचर, और मतलब शिमला का मतलब कितना होगा, मतलब शिमला में तो माइनस डिग्री में मतलब होता है ना टेम्परेचर, तो वहाँ पे मतलब बर्फ बर्फ वगैरह। देखो ठंड मैंने बोला भी नहीं जा रहा है, तो ठंड तो लग रही है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ जैकेट वगैरह पहन के, और फिर इसके बाद ना चलते हैं स्कूटी वॉशिंग के लिए चलें, क्योंकि ना स्कूटी भाई साहब क्लीनिंग मांग रही है, क्योंकि होपफुली ना बहुत गंदा हो गया था मेरे साथ, मैं आपको सही से बताऊँ तो। मैंने कहा इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई साहब स्कूटी की थोड़ी सी मेंटेनेंस करा लेते हैं, ठीक है, तो ब्रेक वगैरह, धुलाई वगैरह, और उसमें ऑयल वगैरह की थोड़ी सी फिलिंग वगैरह करवा लेंगे ना, ताकि होपफुली आगे की जो राइड है ना हमारी काफ़ी ईजीली काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके, है ना। तो बाद में अभी देख सकते हैं आप लोग, स्कूटी ना वॉश हो रही है, ठीक है, तो जो भी मेरा काम होता है ना स्कूटी वगैरह का, तो मैं यहीं से कराता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो प्राइस वगैरह ना वो भी काफ़ी बेस्ट होता है, काम भी काफ़ी बेस्ट करते भैया, तो इसीलिए मैं जब भी आता हूँ ना तो इसी वाली शॉप पर आता हूँ। तो फिलहाल हो रही है स्कूटी वॉश। गाइस जैसा कि आप लोगों ने पीछे देख सकते हैं, पीछे स्कूटी वॉश हो रही है, तो इसके बाद ना लेके चलूँगा मैं आपको बाहर, कहीं पे चलेंगे, है ना, तो इसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, तो मनीष को उठाएंगे, फिर मनीष को साथ में लेके चलेंगे। और देख लो स्कूटी काफ़ी वॉश इसलिए करा ना, कल थोड़ा सा मतलब स्लिप हो गई थी स्कूटी, तो इस बारे में थोड़ी सी काम वगैरह करा लूँ ब्रेक वगैरह का, तो काफ़ी लूज़ है थोड़ी सी, तो काफ़ी होपफुली आगे की जो ट्रैवलिंग होगी तो काफ़ी बेस्ट हो सके। तो फिलहाल हो चुकी है, तो अभी चलते हैं हम, है ना। तो जैसे कि देखो स्लीपर वगैरह है थोड़ी सी, और आगे चल देते हैं, जैकेट की सेल लग रही है, तो अभी उतर के पूछेंगे कितने की दे रहे हैं, क्या हिसाब किताब है ना, जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, देखो तो मतलब भीड़ भाड़ है भाई साहब, मतलब होपफुली 300-400 के आसपास तो होगी। तो गाइस मार्केट में आ चुका हूँ, भैया कितने की दे रहे हो ये? 250। ओके, ये हाफ टी शर्ट्स? हाफ, फुल दोनों। फुल कहाँ से भाई? अच्छा ये हाफ, हाफ टी शर्ट देख रहे हो 200 रुपये की सेल है यहाँ पे, काफ़ी मस्त है एकदम, 200 रुपये। इधर दत्मंजन वगैरह, भैया कितने की दे रहे ब्रश है? 10 का 1 और ये वाले 10 के 2। सो इस तरफ सेल लगी हुई है 50 रुपये की, 100 रुपये की, ठीक है, काफ़ी बेस्ट है कलेक्शन गाइस, मज़ा आ रहा है होपफुली। इधर क्या है, गर्म इनर। अंकल कितने की दे रहे हो ये गर्म इनर है ना? तो ये 200, यो 150, ये 200, 200-150। शूज़ कलेक्शन है गाइस इस तरफ जो सेल वगैरह है, काफ़ी मस्त है इधर। इधर इधर पूछते हैं, इधर पूछते हैं कितने की जैकेट सेल है। जी अनु सेल कितने की दे रहे हैं मैम? 150-200 की, 150-200 की सेल गाइस। स्कूटी की सर्विस कराने के बाद ना मैं सीधा आ गया हूँ पालम में, वेडनेसडे मार्केट लगते हैं ना यहाँ पे, तो कुछ एक काम भी था, तो इस बारे में मैंने कहा यहीं के ब्लॉग बना लेते हैं, तो इसके बाद चलेंगे एक टेस्टी यहाँ पे एग वाला है ना, तो वो एग देखेंगे कि एग कहाँ पे है और कितना डिलीशियस एग मतलब ऑमलेट वगैरह बनता है यहाँ पे, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल ये पूरी है जो वेडनेसडे मार्केट है यहाँ की, सो इधर देखते हो मतलब फ्रूट्स वगैरह की मार्केट है, और इधर बिक रहे हैं फैन मट्ठी, तो काफ़ी गेस्ट होते थे, तो सब्ज़ी वगैरह की वैसे ना मेन ये सब्ज़ी की मार्केट है, तो आज के दिन ना वेडनेसडे मार्केट लगती है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी है,
जैसे हमारे यहाँ पे आ रहे सामान लगते हैं, देखते फ्रूट्स वगैरह, तो अगर आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आएंगे ना तो यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह आपको होलसेल रेट पे बेचते हुए नजर आएंगे लोग। तो बट आज की मार्केट ना काफ़ी बढ़िया गाइस, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ ऐसे इस तरह बैठे हुए ना लोग, तो सेम ना लुक लाइक सुबह आप आएंगे ना तो इस तरह की मार्केट जैसे नजर आएगी, जैसे कि होलसेल रेट में मिलते हैं सुगज। यहाँ पे जो आने का जो बेस्ट रूट है ना वो है मेट्रो, पाला मेट्रो स्टेशन जैसे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आके ना तो इस मार्केट का एंजॉय ले सकते हो, मार्केट इस तरफ से आगे शुरुआत होती है। और अभी हम जा रहे हैं ऑमलेट वाले के पास, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ऑमलेट वाला गाइस, मैं जाके दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ बतलाना नहीं चाहूँगा, तो बस जाके दिखाता हूँ आपको। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मंगलापुरी की मार्केट में, ठीक है। तो दिखाते हैं आप क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है आपके लिए। तो काफ़ी बेस्ट सेल लगी है वैसे तो, ठीक है। तो बस आ गए हैं और दिखाते हैं, काफ़ी मज़ा। सो इधर देख सकते हो लेडीज गारमेंट वगैरह, भैया कितने के स्वेटर तो देख सकते हो, औरतों की टूट पड़ी है भाई साहब इधर, ठीक है। और इधर भी है, ये देख सकते हो 100 रुपये की सेल है। किसी और आगे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं, इधर देखिए तो 30 रुपये की सेल है गाइस, 30 रुपये में देखो, 30 रुपये में क्या दे रहा है ये देखिए, 30 रुपये, 30 रुपये नहीं यार वो ना। एक राम सबको 150 की दो। और इधर देख सकते हो कलेक्शन काफ़ी मस्त है, वो देखिए गर्मा गर्म सूट, घर साला जलेबी बेच रहे हैं गर्मा गर्म, 400 रुपये, 300 रुपये की सेल, बर्तन 50 रुपये, नॉट गुड। सो गाइस इस मार्केट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, तो काफ़ी लंबी मार्केट है, जैसे हमारे यहाँ पर आर्य समाज है ना, सेम लुक लाइक उसे और उससे भी चीपेस्ट प्राइस पे यहाँ पे, मतलब कपड़े वगैरह से लेके बर्तन वगैरह गैजेट 100 रुपये के 4 जोड़े वूलन में, 100 रुपये के 4 जोड़े। इस 100 रुपये जेंट्स के देख सकते हैं, इनर 150 रुपये के शूट्स है, और इधर वुमेन की जैकेट्स 100 रुपये देख रहे हो, इतनी चीप है, 100 रुपये सेल, मस्त। इधर देख सकते हो 100 रुपये भाई साहब, भाई साहब जो मर्जी 100 रुपये, मस्त यार। बच्चों के गैजेट 100 रुपये। साढ़े 300 वूलन में है ना, भाई साहब तो 150 रुपये देख रहे हो, काफ़ी सेल लगे। सो गाइस ये है मार्केट पालम की वेडनेसडे मार्केट, काफ़ी मस्त लगा देते, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की सेल लगी, काफ़ी मज़ा आ रहा है ना। तो चीज़ें तो बहुत, तो होपफुली नेक्स्ट वेडनेसडे आऊँगा ना तो दोबारा बहुत सारी चीज़ें खरीदूँगा यहाँ से। तो बस फिलहाल अभी मैं चलता हूँ घर की ओर, तो बहुत देखो 250 रुपये की सेल लगी पड़ी इस तरफ भाई, काफ़ी मस्त है, मतलब बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके। होपफुली आप लोग भी आए यहाँ पे ख़रीदारी करें, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 और मैक्सिमम 250 रुपये की सेल है, इससे बड़ी कुछ भी नहीं। बस चलते हैं उधर, ये तो कैप देखो कैप, भैया टोपी कितने की है, 100 रुपये की टोपी, अरे आदमियों के लिए नहीं, आदमी के लिए, हाँ भाई साहब हमारे लायक कुछ, अच्छा उधर है वो भी 100 रुपये, सही है यार 100 रुपये का, देख रहे टोपी वगैरह भी 100 रुपये, मज़ेदार है। और इधर बच्चों की भी देख सकते हो, 200 रुपये, 250 रुपये बच्चों की सैंडल, बड़ों की सैंडल, वाओ। Oh no. जो बेस्ट चीज लगते हैं ना यहाँ पे, तो ये जो फ्लाई ओवर है ना इधर से काफ़ी मस्त है, तो ऊपर चढ़ने में मस्त है। और इधर से देख सकते हो तो आगे भी है मार्केट, मंगलापुरी की मार्केट है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। तो पीछे ना चलते हैं, ऑमलेट वाला है ना, तो ऑमलेट दिखाते हैं आपने। सुबह रोड के उस तरफ देख सकते हैं ना ऑमलेट वाला है, ठीक है। तो अभी तो हम ऑमलेट खा नहीं पाएंगे क्योंकि ना पैसे वगैरह कुछ लाना भूल गया, देख सकते हो राजीव करके ना, राजीव भाई के। और आगे है बॉन्ड करके, बे ऑन्ड करके है कोई शॉप वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं।
वो मनीष कहाँ पे, ठीक है, और इधर देख दो मनीष बैठा हुआ है, ठीक है। तो आज तो ऐसे अकेडमी गया था ना, तो सो गए इधर, बुआ जी फूफा जी सब सो चुके हैं, और अभी जो वक्त हो रहा है ना रात के 9 बज रहे हैं, जैसे घड़ी में थोड़ा सा ब्लर आ ना, ब्लैक ब्लैक, तो थोड़ा लाइटिंग का इश्यू है, जो ये लास्ट टाइम वाली लाइट हमारी ख़राब हो गई थी ना, इसको अभी तक ठीक कराए नहीं है, तो होपफुली कल या परसों में करा लेंगे हम। हैं डिनर मड़ी भाई ने कर चुके हैं, तो बस पता नहीं क्या 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 किया डिनर में, पता नहीं क्यों ये कह रहे डिनर में पता नहीं क्या इन्होंने। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं घर पे, देख सकते पीछे भैया जी और मैं, है ना। तो मम्मी जी हमारी सो रही है क्योंकि अभी ना ठंड ज़्यादा है, आज का जो टेम्परेचर था 21 डिग्री था, तो इस हमारे बात से ठंड बहुत है डेली में। डिनर वगैरह रेडी हो रहा हमारा, तो डिनर करेंगे ऑफिस। सो गाइस अभी जो वक्त हो रहा है ना रात के 10:25, और फिलहाल ना डिनर का वक्त हो चुका है, और डिनर में ना आज रोटी है, चावल है, और ये शिमला मिर्च और आलू की सब्जी ना। तो गाइस फिलहाल मैं करता हूँ डिनर, फिर इसके बाद ना आईटी वगैरह, और अभी तो फिलहाल मैं छोटा सा मतलब बुक वगैरह रीडिंग करनी है, तो उसके बाद देन वीडियो को क्लोज करेंगे। आज के श्लोक में मैंने आपको दिखाया पालम में वेडनेसडे मार्केट लगती है ना, तो गाइस मज़ा आ गया लिटरली, क्योंकि वहाँ पे जो सेल थी ना मतलब 50 रुपये से लेके मैक्सिमम 250 रुपये तक की सेल गाइस, है ना, तो आप समझ सकते हैं कितनी मस्त एकदम, है ना। तो इवन सरोजिनी मार्केट को भी फील कर रही है, वहाँ की मार्केट तो काफ़ी बेस्ट है। तो मैं तो खैर इस टाइम कुछ लिया नहीं, तो होपफुली नेक्स्ट वेडनेसडे जाऊँगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, मतलब टोपी वगैरह चाहिए होगी ना, क्योंकि ठंड आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो आज का जो टेम्परेचर था ना काफ़ी ठंडा था। जाएंगे तो लेके आएंगे और भी सारे, तो अपनी व्लॉग का यहीं पर करता हूँ एंड। आई होप आपको लोग पसंद आए, पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू एंड बाय।